कुछ विपक्ष के मित्र अलग अलग बातें मीडिया के सामने रख रहे हैं कि अभी ट्रेनिंग नहीं हुई है, चर्चा नहीं हुई है, कि लोकसभा में कुल मिलाकर 9 घंटा और 29 मिनट चर्चा हुई है, 34 सदस्यों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है, राज्यसभा में 6 घंटा और 70 मिनट चर्चा हुई, 40 सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया है। एक ये भी झूठ चलाया जा रहा है कि सबको बाल निकालने के बाद ये बिल लाया गया। बिल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में पहले से निश्चित था। 14 तारीख से ही विपक्ष ने सदन का बहिष्कार करने जैसी हरकतें करी थी और शायद वो हिस्सा लेना नहीं चाहते थे। रिकॉर्ड के आधार पर कह सकता हूं मैं, भारत के आजादी के बाद किसी भी कानून पारित कराने के लिए इतनी लंबी चर्चा का प्रोसेस नहीं हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। 1 जुलाई से भारत के 3 नए कानून लागू हो चुके हैं और इसको लेकर के विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। इस बीच देखने को मिला कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन 3 कानूनों को लेकर के एक एक बारीकियां समझाई है और ये तक कहा कि क्यों देश को इन 3 नए कानूनों की आवश्यकता है। दरअसल इन 3 नए कानूनों को लेकर के कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहा था कि ये न्याय कानून नहीं बल्कि ये बुलडोजर न्याय है जो कि हम नहीं चलने देंगे। आपको बता दें कि देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने मीडिया से बातचीत की और नए कानूनों से होने वाले बदलाव के बारे में जानकारी दी। इतना ही नहीं, विपक्ष जिस तरीके से इन 3 कानूनों को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं, ऐसे में उन्होंने विपक्ष को भी करारा जवाब देने का काम किया है। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अंग्रेजों के बनाए गए कानून खत्म हो चुके हैं, ये न्याय व्यवस्था का भारतीयकरण है। अब देश में नया कानून लागू होगा जिसमें आरोपी को सजा देने की बजाय पीड़ित को न्याय देने पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जो दिल्ली में नए कानून के तहत पहला केस रजिस्टर्ड किया गया है वो दरअसल झूठी खबर है। पहला केस ग्वालियर में रजिस्टर्ड किया गया है। मैं आपको समझाता हूं, ये भ्रांति फैलाई गई है कि रिमांड का समय बढ़ाया गया है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि नए कानूनों के तहत बीएनएस के तहत रिमांड का समय 15 दिन का ही है। मैं आप लोगों के सामने डिटेल में बताना चाहता हूं, आरोपी को आज पुलिस ने कस्टडी में लिया, कोर्ट ने रिमांड दे दी और आरोपी अस्पताल में भर्ती हो जाता है और 15 दिन तक अस्पताल में रहेगा तो क्या इसकी पूछताछ ही नहीं होगी? पूछताछ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? इसलिए हमने प्रावधान किया है कि 15 दिन की अपर लिमिट के अंदर, 60 दिन की अपर लिमिट के अंदर पुलिस इसका रिमांड ले सकती है, वरना उसको तो जुडिशियल कस्टडी में जेल में पहले भी रहना था और बाद में भी रहना है। एक दूसरा आरोपी पकड़ा, पुलिस को दोनों को इकट्ठा करके पूछताछ करनी है तो कैसे करेगी? तो 15 दिन की लिमिट को हमने नहीं बढ़ाया है, रिमांड 15 दिन की ही होगी। 60 दिन के भीतर एक या दो टुकड़ों में आप 15 दिन की रिमांड दे सकते हैं। भ्रांति फैलाई जा रही है कि रिमांड का पीरियड बढ़ाया गया है। कृपया मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि इसको आप क्लैरिफाई करिएगा जिससे जनता में गलत बात न जाए। टोटल 15 डेज विद इन 60 डे, वो जानबूझकर उठा रहे हैं। मैं मानता हूं उन्होंने तो पढ़ा होगा कानून। सर, आज से ये कानून लागू हुआ, लेकिन सबसे पहला जो मामला एफआईआर हुआ था दिल्ली में, देखे तो स्ट्रीट वेंडर के खिलाफ कर दिया है। ये झूठ है, ये झूठ है। सबसे पहला मामला अब तक के रिकॉर्ड के हिसाब से ग्वालियर के पुलिस थाने में हुआ है, चोरी का है। किसी की मोटरसाइकिल चोरी कर ली गई 1,80,000 की वैल्यू की, इसका मामला 12:10 पर रजिस्टर हुआ है, पहला मामला नहीं है। और जो वेंडर के खिलाफ मामला रजिस्टर हुआ इसका प्रावधान पहले भी था, ये नया प्रावधान नहीं है। पुलिस ने इसका रिव्यू का प्रोविजन का उपयोग कर वो मामले को खारिज कर दिया। सर,
बता दें, दरअसल जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए इन तीनों ही कानूनों के एक एक बारीकियों को विस्तार से समझाने का प्रयास किया गया कि कैसे इसमें मॉब लिंचिंग, महिलाओं को लेकर के तमाम चीजों का ध्यान रखा गया है। एक बार आप भी सुनिए कि कैसे गृह मंत्री अमित शाह ने विस्तार से इन तीनों कानूनों के बारे में बताया है। देश की जनता को सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि लगभग आजादी के 77 साल बाद आपराधिक न्याय प्रणाली, हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूर्णतया स्वदेशी हो रही है और भारतीय इथोस के आधार पर ये चलेगी। 75 साल के बाद इस कानूनों पर विचार हुआ और ये कानून जब आज से हर थाने में अपना काम करना चालू करेंगे, तब अंग्रेजों के बनाए हुए कानून निरस्त होकर भारत की संसद ने बनाए हुए कानून आएंगे। दंड की जगह न्याय लेगा, देरी की जगह स्पीडी ट्रायल और स्पीडी जस्टिस मिलेगा, और पहले सिर्फ पुलिस के अधिकारों की रक्षा की गई थी, अब पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा और जो कंप्लेनेंट है इसके भी अधिकारों की रक्षा करने का काम होगा। तो एक नए नजरिए के साथ ये तीनों कानून आज सुबह से ही, मतलब कल मध्य रात्रि से काम करना शुरू किए हैं। अब इंडियन पिनल कोड, जिसको आईपीसी कहते थे, 1860 से जो कानून था इसकी जगह बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता आएगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसको सीआरपीसी कहते थे, जो 1898 से अमल में था, इसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस आएंगे। और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से जो इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को गवर्न करता था, इसकी जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए लागू होगा। तो बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए के लागू होने से पूरी न्याय प्रणाली का, आपराधिक कानूनों की पूर्णतया इसके अंदर हम कह सकते अब भारतीय आत्मा है। इसके ढेर सारे प्रावधान ऐसे किए गए हैं जिससे कई समूहों को फायदा होगा। कई सारी दफाएं जो अंग्रेजों के समय से विवाद में रही, इसको हटाकर आज के समय के अनुकूल धाराएं जोड़ी गई है, और कई सारी ऐसी चीजें जिससे भारतीय नागरिकों को परेशानी थी, इसको हटाकर नए प्रावधान किए गए हैं। सबसे पहले हमने इसमें हमारे संविधान के स्पिरिट के तहत दफाओं की और चैप्टर्स की प्रायोरिटी तय की है। सबसे पहली प्रायोरिटी महिलाओं और बच्चों के अपराध को दी गई है, और मैं मानता हूं कि ये करने की बहुत समय से पहले जरूरत थी। एक पूरा अध्याय इसमें जोड़ा गया है जिसमें 35 धाराएं हैं और 13 प्रावधान हैं, जिसमें गैंग रेप के लिए अब 20 साल की सजा या तो कारावास, आजीवन कारावास, नाबालिग के साथ बलात्कार में मौत की सजा, झूठा वादा पहचान छिपाकर शोषण करने वालों के लिए भी अलग से अपराध बनाया गया है, पहले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से चलता था। पीड़िता का बयान उसके घर पर महिला अधिकारियों की उपस्थिति में और अपने परिजनों की उपस्थिति में लेने का भी प्रावधान किया है, और इसके साथ साथ ऑनलाइन एफआईआर की व्यवस्था से भी ढेर सारी उत्पीड़न का सामना कर रही महिला एम्बरेसमेंट से बच पाएगी, ऐसा हमारा मानना है। सालों से देश भर में मॉब लिंचिंग के अपराध के लिए कानून में कोई प्रावधान नहीं था, प्रावधान करने की मांग होती थी,
पहली बार मॉब लिंचिंग को परिभाषित किया गया है नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्मस्थान, भाषा और अन्य कारणों से जो मॉब लिंचिंग होता है इसमें 7 वर्ष के कारावास से लेकर मृत्यु की सजा और आजीवन कारावास तक इसके अंदर जोड़ा गया है। तो एक बहुत बड़े समय से जो मांग थी वो पूरी होने जा रही है। रात दो एक ऐसा कानून था जो अंग्रेजों ने अपने शासन की रक्षा के लिए बनाया, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे तिलक महाराज हो, चाहे सरदार पटेल हो, सभी लोग यही कानून के तहत 6-6 साल की सजा काटे थे। इसी कानून के तहत केसरी पर प्रतिबंध लगाया गया था, वो अपने राज्य की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों ने बनाया हुआ कानून था। राजद्रोह को हमने जड़ से समाप्त कर दिया है और देश विरोधी हरकतों के लिए नई धारा लेकर आए हैं। पहले सरकार के खिलाफ स्टेटमेंट देना गुनाह था, अब भारत की एकता और अखंडता को क्षतिग्रस्त करने के लिए ये कानून अमल में आएगा। तो आजादी के इतने सालों के बाद ये कानून में बदलाव हुआ है जो एक बहुत बड़ा परिचायक है हमारे संविधान के स्पिरिट का। मैं आप सभी के सामने बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि ये तीनों कानूनों के पूर्ण स्पिरिट के साथ देश भर में लागू होने के बाद ये कानून सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली का सर्जन करेंगे। टेक्नोलॉजी को हमने न केवल अपनाया है, आने वाले 50 सालों तक टेक्नोलॉजी में जो भी अनुसंधान होने की संभावनाएं हैं इस सबको कानून के अंदर हमने व्याख्या के तौर पर समाहित किया है, जिससे आने वाले समय में भी जो अनुसंधान होंगे वो व्याख्यायित किए गए हैं। ये विश्व की सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली बनेगी, इसका मुझे विश्वास है। कंप्यूटराइजेशन की प्रक्रिया ऑलरेडी पूरी हो गई है, 99.9% थाने कंप्यूटराइज हो चुके हैं। ई रिकॉर्ड जनरेट करने की प्रक्रिया भी हमने 2019 से ही चालू कर दी थी। 0 FIR, EFIR, चार्जशीट और जवाब ये सभी डिजिटल होगा, किसी को बड़े बड़े जेरोक्स निकालकर करने की जरूरत नहीं है। 1 लाख पेज की चार्जशीट भी एक छोटे से पेन ड्राइव से जजीज के सामने जाएगी और पक्षकर्ताओं को दिए जाएगी। 90 दिन के अंदर इस कानून में पीड़ित को जिन्होंने न्याय की गुहार की है उनको अपने केस का प्रोग्रेस ऑटोमेटिकली ऑनलाइन भेजा जाएगा। हमने इसके अंदर 7 साल और उससे ज्यादा सजा वाले सभी गुनाह में फॉरेंसिक की टीम की विजिट को कंपलसरी कर फॉरेंसिक एविडेंस को कानूनी जामा पहनाने का काम किया है। मैं मानता हूं कि इससे बहुत फायदा होगा, दोष सिद्धि का प्रमाण हम बहुत आगे तक ले जा पाएंगे। साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग और जांच पड़ताल में रिकॉर्डिंग की अनुमति दी है, वीडियोग्राफी को सर्च और सीजर के वक्त पर अनिवार्य किया है जिससे किसी को फंसाने की कोई साजिश न हो पाए। ई बयान बलात्कार की पीड़िता का या छेड़खानी की पीड़िता का ई बयान को भी कानूनी माना गया है और कोर्ट में ऑडियो वीडियो के माध्यम से पेशी करने का भी प्रावधान हमने किया है। ई पेशी में गवाह, आरोपी, विशेषज्ञ और पीड़ित सभी को कानूनी जामा पहनाने का काम किया है। इसमें जो फॉरेंसिक विजिट को अनिवार्य बनाया गया है इसको हमने दूरदर्शिता पूर्वक काम करकर नेशनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी 2020 में बनाकर इसके लिए ट्रेन मैन पावर का सर्जन का काम ऑलरेडी कर चुके हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि 3 साल के बाद इस देश में हर साल 40,000 से ज्यादा ट्रेन मैन पावर का फोर्स हमारी कानूनी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की सेवा में उपलब्ध होगा। कमीशन का रेशियो इसके माध्यम से 90% तक ले जाने का हमने प्रावधान किया है और फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए अभी अभी हमारी कैबिनेट ने निर्णय किया है और 9 राज्यों में
फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के कैंपस खोले जाएंगे और 6 सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरीज को भी हमने करा है। ये कानून विक्टिम सेंट्रिक, पहले दिनों तक किसी को पुलिस ले जाती थी, परिवार वालों को कोर्ट में आना पड़ता था। अब हमने कंपलसरी किया है कि हर थाने में रजिस्टर होगा और ई रजिस्टर भी होगा कि कौन सा अपराधी पुलिस की कस्टडी में है, जिसे हेबियस के माध्यम से कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा। तलाशी और रेड दोनों स्थिति में वीडियोग्राफी की जाएगी, जिससे पुलिस के अधिकारों का दुरुपयोग न हो पाए। और हमने अपराधियों को बेल को भी लंबे समय तक लंबित केसों में कानूनन बना दिया है, जिसमें एक निश्चित समय मर्यादा अपराध के अंदर जो सजा है उसके अनुपात में हो जाने के बाद जेल सुपरिटेंडेंट की जिम्मेदारी होगी कि इसको बेल पर रिहा किया जाए। तो इसके लिए कोर्ट में किसी को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें विक्टिम को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, इन्फॉर्मेशन का अधिकार मिलेगा और नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति का भी अधिकार पहली बार भारतीय कानूनों में हम करने जा रहे हैं। 0 एफआईआर, विक्टिम की एफआईआर की प्रति की निःशुल्क प्राप्ति और 90 दिन में जांच का रिपोर्ट देने से इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। समय पर न्याय, लगभग 35 न्याय प्रणाली की 35 धाराओं में हमने समय मर्यादा निश्चित की है और ये टेक्निक के आधार पर प्रोसीडिंग्स होने के कारण भी समय पर न्याय मिलेगा। 3 दिन में एफआईआर दर्ज करनी है, 7 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट पीड़िता के सार्वजनिक करनी है, 60 दिन के अंदर ही अपराध तय करने हैं और घोषित अपराधियों के खिलाफ 90 दिन के अंदर मुकदमा कायम करना है और आपराधिक मामलों में मुकदमे की सुनवाई के बाद ज्यादा से ज्यादा 45 दिन के अंदर जजमेंट की घोषणा करनी है। तो कई जगह पे हमने समय को कम कर बाध्य कर हमने जल्दी से न्याय मिल पाए इस दिशा में काम किया है। हमने 3 वर्ष से कम कारावास में, 60 वर्ष से अधिक उम्र में के लोग जो है इसमें पुलिस अधिकारी की पूर्व अनुमति अरेस्ट के लिए अनिवार्य करी है। गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने ले जाने का प्रावधान भी कानूनी बनाया है और 20 से ऐसी ज्यादा धाराएं हैं जिसमें पुलिस की जवाबदेही हमने सुनिश्चित करी है। पहली बार पीई का भी हमने प्रावधान इसके अंदर किया है। साक्ष्यों के संबंध में भी टेक्नोलॉजी को हमने बढ़ावा दिया है। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के प्रति विश्वसनीयता बढ़े इसके लिए कानूनी प्रावधान कड़े किए हैं। सर्वर लॉग, स्थान संबंधी साक्ष्य और वॉइस मेल, ये सब की व्याख्याएं की गई है। अब न्याय प्रक्रिया संविधान की 8वीं अनुसूची में आने वाली सभी भाषाओं में काम करती हो जाएगी। हमारी स्थानीय भाषाओं के लिए बहुत बड़ा फैसला है। हमारा पूरा सॉफ्टवेयर जो बनेगा वो 8वीं अनुसूची में आने वाली सभी भाषाओं में बनेगा। कानून बनने के बाद, संसद ने पारित करने के बाद तैयारी के लिए ढेर सारा प्रयास भारत सरकार के गृह मंत्रालय और हर राज्य के गृह मंत्रालय और जस्टिस मंत्रालय ने किया है। लगभग 22.5 लाख पुलिस कर्मियों की ट्रेनिंग के लिए 12,000 मास्टर ट्रेनर्स बना दिए गए, कई इंस्टीट्यूशन को अधिकृत किया गया और 23,992 मास्टर ट्रेनर अब तक ट्रेन हो चुके हैं। जुडिशियरी में 21,000 सबोर्डिनेट जुडिशियरी का ट्रेनिंग हो चुका है। इसके लिए भी आगे पर मास्टर ट्रेनर्स की कई बैच स्थानीय भाषाओं में तैयार हो गई है। 20,000 पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को ट्रेन किया गया है और लगभग हर प्रोसिक्यूटर को एक ऐप दे दिया गया है और नए कानून छापे हुए दिए गए हैं कि पुरानी धारा कौन सी थी, नई धारा कौन सी है। प्रिजन के 51,224 कर्मचारियों का ट्रेनिंग हुआ है और फॉरेंसिक के 4,000 कर्मचारियों का ट्रेनिंग हुआ है। कुल मिलाकर ट्रेनिंग की संख्या पुलिस में 6 लाख, प्रोसिक्यूशन में 4,000, जुडिशियरी में लगभग 20,000, फॉरेंसिक में भी 4,000 और प्रिजन में 10,868
मास्टर ट्रेनर अभी काम कर रहे हैं। मित्रों, ये संहिता के लिए कुछ विपक्ष के मित्र अलग अलग बातें मीडिया के सामने रख रहे हैं कि अभी ट्रेनिंग नहीं हुई, चर्चा नहीं हुई है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि लोकसभा में कुल मिलाकर 9 घंटा और 29 मिनट चर्चा हुई है। 34 सदस्यों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। राज्यसभा में 6 घंटा और 70 मिनट चर्चा हुई, 40 सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया है। एक ये भी झूठ चलाया जा रहा है कि सबको बाल निकालने के बाद ये बिल लाया गया। बिल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में पहले से निश्चित था। मेरा ये स्पष्ट मानना है कि 14 तारीख से ही विपक्ष ने सदन का बहिष्कार करने जैसी हरकतें करी थी और शायद वो हिस्सा लेना नहीं चाहते थे। और दोनों सदनों में 14 तारीख में लोकसभा में 96 और राज्यसभा में 46 सदस्यों ने ऐसी हरकतें की जिससे पीठासीन अधिकारी उनको बाहर करने के लिए मजबूर हो जाए। फिर भी एक ऑप्शन था, ये बहुत बड़ा दूरगामी परिणाम लाने वाला कानून था, वो एक कानून के लिए स्पेशल अंदर आकर चर्चा में अपना मत रख सकते थे। इसके पहले भी मैंने 2020 में सभी सांसदों को पत्र लिखकर उनके सुझाव मांगे थे, सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर उनके सुझाव मांगे थे, सभी सुप्रीम कोर्ट के सम्माननीय न्यायाधीशों को पत्र लिखकर उनके सुझाव मांगे थे, सभी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर सुझाव मांगे थे, गृह सचिव जी ने सभी आईपीएस अफसरों से सुझाव मांगे थे, सभी कलेक्टर से सुझाव मांगे थे और ये सब सुझाव मिल मिलाकर मैंने खुद अधिकारियों की बैठक को अलग करे तो मैंने खुद 158 बार इसकी मीमांसा करकर बैठक करकर विचार करकर एक बिल बनाया। ये बिल को भी संसद ने ऐसे ही पारित नहीं किया है, गृह विभाग की समिति के पास ये बिल को भेजा गया। 2.5 महीना या तो 3 महीना इस पर विशद चर्चा हुई, सभी दल के सांसदों ने इसके अंदर हिस्सा लिया है, अपने सुझावों को रखा है। 4-5 पॉलिटिकल स्टाइल के सुझाव छोड़कर मैं दावे से कह सकता हूं हर सुझाव को समाहित करकर 93 बदलाव करकर बिल को फिर से कैबिनेट ने पारित किया और पारित करने के बाद सदन के सामने रखा गया। इतने बड़े सदियों के बाद हो रहे सुधार को पॉलिटिकल कलर देना मैं मानता हूं ठीक नहीं है। मेरे तो सभी विपक्ष के साथियों से विनती है, पॉलिटिक्स करने के ढेर सारे मुद्दे हैं, आराम से करिए पॉलिटिक्स, कोई चिंता नहीं, हम भी जवाब देंगे, मगर ये कानून देश के 140 करोड़ नागरिकों को संविधान का जो स्पिरिट है, न्याय और आत्मसम्मान, वो समय पर दिलाने की एक एक्सरसाइज है। तो आप सभी लोग इसमें कोऑपरेट करिए और मैं मानता हूं कि जिसको भी कुछ कहना है मेरा दफ्तर हमेशा खुला है, मैं अवेलेबल हूं। मिलने से पहले रोड पर जाना मैं मानता हूं ठीक नहीं है। चर्चा करनी चाहिए, कुछ भी हो बात करनी चाहिए और मेरा स्पष्ट मत है जो मैं आज बेबाक तरीके से आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। रिकॉर्ड के आधार पर कह सकता हूं मैं, भारत के आजादी के बाद किसी भी कानून पारित कराने के लिए इतनी लंबी चर्चा का प्रोसेस नहीं हुआ है, ये मैं रिकॉर्ड पर कहने के लिए तैयार हूं। 4 साल तक इस कानून पर विचार हुआ और अगर आपको अभी भी कुछ कहना है तो आप जरूर आइए, मैं सुनने के लिए तैयार हूं, मगर कृपया इस कानून को पब्लिक तक इसकी सेवा करने देने का मौका देना चाहिए। समय पर न्याय मिलेगा तो देश का भला होगा, संविधान की सुरक्षा और आत्मसम्मान की भावनाओं को नागरिक प्राप्त कर पाएंगे तो देश का भला होगा। और सबसे बड़ा बदलाव है, हमने थोड़े धैर्य के साथ टीथिंग प्रॉब्लम को देश की जनता ने भी बड़े धैर्य के साथ लेकर सिस्टम को सुधारने का मौका देना चाहिए। और मैं सभी दलों से भी कहना चाहता हूं कि राजनीति से ऊपर उठकर आप इसका समर्थन करिए और जो भी सुझाव जनता के हित में है
लेकर आइए, हम इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। आप लोगों के मन में कोई आपको बता दें, अमित शाह ने कहा कि नया कानून भारत की संसद में बनाया गया है, नए कानून से ट्रायल में कमी आएगी, पुरानी धाराएं हटा करके नई धाराएं जोड़ी गई है, अब दंड की जगह न्याय पर जोर दिया जाएगा। भारतीय कानून के मुताबिक अब तक भारतीय दंड संहिता के अनुसार हर अपराधी को सजा मिलती थी, ये दंड संहिता 1860 में बनी थी, वही अब भारतीय न्याय संहिता के तहत सजा मिलेगी, जिसको पिछले साल ही संसद की मंजूरी मिली। भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी 511 धाराएं थी, वही भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में 358 धाराएं हैं, आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी 1898 में 484 धाराएं थी, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएसएस 2023 में 531 धाराएं हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी कि 1872 में 167 प्रावधान थे, अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में 170 प्रावधान है। तीन नए आपराधिक कानूनों पर बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आजादी के लगभग 77 साल बाद हमारी आपराधी न्याय प्रणाली पूरी तरीके से स्वदेशी हो पाई है, यह भारतीय मूल्यों का काम करेगी। 75 साल बाद इन कानूनों पर चर्चा की गई और आज जब ये कानून प्रभावी हो रहे हैं तो ब्रिटिश काल के कानून पूरी तरीके से खत्म हो रहे हैं, अब भारतीय संसद में बने नियम प्रभावी होंगे, दंड की जगह लोगों को न्याय मिलेगा, अब देरी की बजाय तेजी से सुनवाई होगी और जल्द न्याय मिलेगा। पहले सिर्फ पुलिस के अधिकारों का बचाव होता था, लेकिन अब पीड़ित और शिकायतकर्ता के अधिकारों की भी सुरक्षा होगी। इतना ही नहीं, अब जो पूरी की पूरी व्यवस्था है वो पुलिस के डंडे से नहीं बल्कि डेटा के जरिए काम करेगा। इसी के साथ ही उन्होंने ये तक कहा कि कैसे जो है वो कहीं से भी पीड़ित करवा सकता है, ऑनलाइन एफआईआर हो सकती है, और इसी के साथ ही जो चार्जशीट होती थी कैसे 10,000 के पन्ने तक चार्जशीट के लिए जमा किए जाते थे, तो इसमें आप 1,00,000 तक की जो पन्ने हैं चार्जशीट के वो एक छोटे से पेन ड्राइव के जरिए भी जमा कर सकते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।